ओम नमस्कार बंधुओं, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बंधुओं, आज का वीडियो भी हमारे सभी वीडियो की तरह महत्वपूर्ण है, गंभीर है। आज के वीडियो का विषय है कि यदि आप किसी षड्यंत्र के अंदर आ चुके हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, आपको पता है, चाहे वे आपका शत्रु हो, चाहे दोस्त हो, चाहे वो आपके दफ्तर में काम करने वाले लोग हों, यदि आपको पता है कि आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, राजनीति करी जा रही है आपको फंसाने के लिए और आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं, तो आप यह वीडियो अवश्य देखें, पूरा देखें, अंत तक देखें। आइए जानते हैं कि आपको ऐसे समय में क्या उपाय करना है। आप किसी भी खेत में जाकर यह मंत्र पढ़िए, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये मंत्र आपको जपना है और जप करते करते आपको एक पुतला बनाना है, छोटा सा भी बना सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको बड़ा बनाना है या छोटा, आप छोटा भी बना सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, जैसे सूर्योदय होने से पहले यानी कि सूरज निकलने से पहले आप वह पुतला बना लीजिए, खुद बना लीजिए, और फिर आप अपने घर पर या फिर ऑफिस में गड्ढा खोदकर उसे दबा दें। और यदि आपको लगता है कि आप गड्ढा नहीं कर सकते हैं, तो आप उसे किसी गमले के अंदर भी दबा सकते हैं, मगर याद रखिए कि कोई पौधा उसमें गमले में ना लगाएं और ना ही उसमें कोई गंदगी डालें और ना ही उसको कभी बाहर निकालें पुतले को। इससे क्या होगा, इससे पूरे वर्ष में घर ऑफिस में आपके खिलाफ षड्यंत्र वह राजनीति नहीं होगी, और यदि किसी ने कर रखी है पहले से तो वह फलित नहीं होगी, बेअसर हो जाएगी। तो बंधुओं, ये भी बहुत सटीक उपाय है, सरल उपाय है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और यदि आपको लगता है अगले वर्ष भी आपके साथ ऐसा ना हो, तो आप अगले वर्ष भी, अगले साल भी इसको जरूरत पड़ने पे पूरा पुनः कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर भविष्य में भी वीडियो देखना चाहते हैं, बड़े छोटी समस्याओं का हल देखना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।